आप सबों का आज हमारे पीएमसी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आदरणीय हमारे अभिभावक राजेंद्रुल्य पहले साथ साथ में हैं, राजेंद्र कठोरकर जी हमारे साथ हैं, हमारी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं। आपको एक लिस्ट दे रहे हैं जिसमें हमारी एडहॉक कमेटी है, ऑर्गेनाइजर हैं और हमारे स्टेट की एडहॉक कमेटी। लगभग 100 दिनों के अंदर हम पूर्ण रूपे अपनी कमेटीज लेकर के आएंगे, जिसमें स्टेट की कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होगी, तालुका की होगी और उसको नीचे लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे। हमारे पास लगभग 700 के करीब मेंबर थे और जिस समय मेरा एक इंटरव्यू आया उसके बाद लोगों के फोन आने शुरू हुए जो जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ और जुड़े हुए हैं पहले से। वह भी जैसे जैसे समय बीतेगा हमारा उनके साथ साक्षात्कार होगा और उसके बाद हम उस लिस्ट को आप लोगों के सामने आगे देते रहेंगे, चाहे वो 2 दिन के बाद आए, 3 दिन के बाद आए, 4 नाम आए, 5 नाम आए, इस तरीके से बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं गोवा के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितना अपार प्रेम और समर्थन हमें हमारे 3 से 5 महीने के बीच केवल इतना ही समय हम अपना बिता पाए यहां पर और 8% से ज्यादा वोट हमें मिला। यदि आप तुलना करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कि पहले 3 इलेक्शन में यह दोनों पार्टियां 1% से ज्यादा वोट नहीं ला पाई। कांग्रेस जबकि उसका लिबरेशन में भी हाथ था, रेफरेंडम में भी हाथ था, 4th इलेक्शन में उनको 1 सीट मिली, वह भी गोवा से नहीं मिली, दीव से मिली क्योंकि उस समय गोवा दमन दीव था। भाजपा को भी 3 इलेक्शन लगे 4 सीट लेने में और ये सभी अपने शुरू के इलेक्शन में 1% थे। हमें 8% से ज्यादा वोट केवल 3 से 5 महीने के अंदर मिला। यह बताता है कि लोग गोवा में टीएमसी पर विश्वास करना शुरू हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है और यही कारण है कि बार बार लगातार लोगों का फोन आना, लोगों का हमसे संपर्क करना और पार्टी से जुड़ना, यह हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। दिस इज वेरी इंकरेजिंग फॉर अस एज वी आर गेटिंग फोन कॉल्स, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज, पीपल वॉन्ट टू नो एंड दे वॉन्ट टू ज्वाइन अस एंड वी ऑल नो दैट एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। टीएमसी अपनी 3 योजनाएं लेकर आई थी जिसमें गृहलक्ष्मी मां के लिए था, मां के अंदर ही सारा संसार होता है, मदर इज द एंटायर यूनिवर्स, उस मां के लिए गृहलक्ष्मी लेकर आए थे। युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए युवा शक्ति लेकर आए थे और जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए माझी हक का कार्यक्रम हम लेकर के आए। हमें पूरा विश्वास है कि यह 5 साल, अभी तो लोकसभा के 2 साल के बाद चुनाव है, उसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे और 5 साल बाद हमारे विधानसभा के चुनाव है। जिस प्रकार का हमें प्रेम मिला है, मुझे पूरी आशा है और पूरी टीम इस चीज को मानती है कि अगले 5 साल में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम बड़े ही सुदृढ़ और शक्तिशाली रूप में आएंगे और सरकार भी बनाएंगे। हमने यह 3 योजनाओं का हमारे पास डाटा रखा हुआ है और वह 95% लोगों को, 95% ऑफ द पीपल दोज वो अप्लाई वी हैव दैट डाटा विद अस और उस डाटा को हमारी सरकार बनने के बाद हम उसका उपयोग करेंगे। हमारा काम रहेगा कि हम गोवा की संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, संस्कार, इन सबों को किस तरीके से साथ लेकर आगे चलें
गोवा एक अपने आप में अलग ही उसकी संस्कृति है। आप देखते हैं विश्व भर से लोग यहाँ पर गोवा में आते हैं, क्योंकि गोवा के लोगों का प्यार, प्रेम, संस्कार, संस्कृति, त्योज त्योहार, इन सबों को बरकरार रखना, बनाए रखना ये हम सबों का कर्तव्य है। स्थानीय समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और वो स्थानीय समस्याएं यहां से बैठे हुए लोग से नहीं आएंगी, स्थानीय समस्याएं स्थानीय लोगों से मिलकर जानकर वहां की समस्याओं को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से भेजेगा कि यह समस्या का समाधान होना चाहिए, वह नहीं होगा, जो यहां पर करेंगे वही किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इनके समय में हुआ भ्रष्टाचार उसको उजागर करेंगे और जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी, चाहे वह विभिन्न योजनाओं को लेकर रही थी, अभी मैंने खुद ही पढ़ा 3 दिन पहले कि लाडली लक्ष्मी में 19,471 और गृह आधार में 12,658 यानी 32,000 लोग, महिलाएं, बच्चियां रजिस्ट्रेशन के लिए 2 साल से रुकी थी। यह बड़ी ही अजीबोगरीब बात है, जबकि आपने यह योजना शुरू की है तो इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। और यही नहीं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और मेरे लिए तो लाभ क्या मिलेगा, क्या पेट भरेंगे? यहां की सड़कों में आप गड्ढे देख लीजिए, अटल सेतु जिसमें सीमेंट की सड़क बनी हुई है वो गड्ढा ये सरकार नहीं भर पा रही, तो मुझे समझ में नहीं आती कि गोवा के जनता का पेट किस प्रकार से ये सरकार भरेगी। जो छोटे छोटे पॉटहोल्स नहीं भर पा रही, जो सड़कों के गड्ढे नहीं भर पा रही, वह गोवा के लोगों के लिए क्या काम करेगी, मेरे ये समझ के बिल्कुल परे है। इसलिए इन सब चीजों को, विषयों को उठाना और आगे बढ़ना यह हमारा उद्देश्य रहेगा। हम जानते हैं एनवायरमेंट का बहुत बड़ा एक समस्या है और उसको लेकर 5 तारीख को एनवायरमेंटल डे है। उस दिन हमारा पहला काम शुरू होगा, उस दिन से हम करेंगे, जो अपने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रहेगा। कोर कमेटी के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, यह लोग तय करेंगे कि किस प्रकार से हमने 5 जून को अपना कार्यक्रम करना है और उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेटर्स व हमारे स्टेट कमेटी, एडहॉक कमेटी के साथ बात करके, मीटिंग करके हम 5 तारीख का हमारा कैसे आगे कार्यक्रम होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी देश के अंदर विशेष करके चाहे गोवा भी उसमें आता है, राइजिंग प्राइसेस को लेकर के है, महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, एनवायरमेंट की समस्या को लेकर के है, स्थानीय अनेकों समस्याओं को लेकर के है, इन सभी चीजों को हम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज फिर रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 1,000 से ऊपर हो गया है। आप आईपीएल मैचेस देखते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा से सेंचुरी तो नहीं बन रही, लेकिन पिछले 6 महीने से पेट्रोल और डीजल सेंचुरी बना करके रोज बढ़ रहा है ऊपर। तो यह कामयाबी तो केंद्र सरकार की कही जाए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पीछे रह गए इस केंद्र सरकार से, जो इतने पेट्रोल और डीजल के और रसोई गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं और अधिक न कहकर आपके सामने, आपको सारी लिस्ट दे दी गई होगी, आप सबको मिला हुआ होगा, आप लोगों को यदि कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो मुझसे जरूर पूछ सकता है। आपने बोला कि पहले इलेक्शन में आपको 8% लोगों ने साथ दिया है, 8% से ज्यादा, 8% तो आपके जो लीडर थे वो बहुत सारे छोड़ के गए, तो उसको आपको कैसा काउंट करते हैं, आपको कैसे लगता है कि जो लीडर आपके साथ थे, जिसने इलेक्शन लड़ा था, वो सब आपके साथ छोड़कर चला गए? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमारे साथ रहेंगे, अब हमारे साथ जो हैं वो रहेंगे, उनसे साक्षात्कार रहा है। और मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज नए दौर में लिखे नई कहानी। आप बोल रहे हैं कि छोड़ो कल की बात पुरानी, बट जब आप गोवा
इलेक्शन के बाद पहली बार आप प्रेस के सामने आ रहे हैं, तो पिछले 20 दिनों में आपके ऊपर बहुत आरोप हो गए, आप आईपैक के साथ हो गए, यहाँ के लोगों के साथ जो बिजनेस किया उसका पैसा देना बाकी है, और आप गोवा के पोर्ट हाउस के और गोवा के राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आपको एक चीज ये समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके लीडर्स ने ही ये किया है, आरोप किया है। मैं बड़े सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, यदि किसी के पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ हो, तो वो सामने लेकर के आए। यदि हमारे साथ है, तृणमूल के साथ हुआ है, तो मुझे बताया जाए। और ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो हमारी लोकप्रियता को देखकर, तृणमूल की लोकप्रियता को देखकर अनाप शनाप हमारे ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। जो आरोप, इसके लिए मैं अधिक न कहकर, यदि कोई किसी के पास प्रमाण हो तो वह मुझे जाकर के दिखाए, तो उसके पर आगे बात किया जा सकता है। कहने को तो मैं भी हजार चीज कह सकता हूँ, तो क्या वह सच हो जाएगी? तो क्या आईपैक ने आपको भी चुना लगाया क्या? क्योंकि किरण का आंदोलन बोला है कि चुना लगाएगा। मेरा कोई विषय नहीं है ये आईपैक, आज विषय है जो नहीं, आईपैक में इधर आउटस्टैंडिंग डील्स मेरे आपके पास है, आपके पास है, तो आप दोनों देयर इज एन एलिगेशन दैट आईपैक हैज डंप्ड सेवरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन गोवा, सो आर यू टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू आर जस्ट सेइंग दैट ओके टीएमसी इज सेपरेट, आईपैक इज सेपरेट, इज इट दिस वे? माय डियर फ्रेंड, first is if you have any documents kindly give it to me, I mean I the matter should close there. If anybody is owed money by IPAC, they should give the documents to IPAC. If TMC owes any money to anybody, they should give me the documents. No, the outstanding liabilities of IPAC will be taken care of by TMC in Goa. No, I said IPAC. No, if there are the documents, if there are bills, then are you going to pay for IPAC or IPAC will be separate now? My dear friend, मैंने पूरी रामायण पढ़ दी और आप पूछ रहे हैं। No, there is a specific question, sir. There is a specific question. Haven't I given you a specific answer? No, if there are outstanding bills of IPAC, will TMC Goa clear it or will it be kept for IPAC bill to clear? कह दिया आपने? कुछ और जोड़ना आपने? No. जो IPAC के ऊपर है, किसी को पैसा देना है, तो वो IPAC से मिले, करेक्ट? और अगर टीएमसी किसी को पैसा देना है, तो वो डॉक्यूमेंट टीएमसी को दे। बट आईपैक को गोवा में टीएमसी नहीं लाया था ना? नहीं बुलाया है? नहीं, जो आईपैक और टीएमसी साथ में ही काम कर रहे थे ना? आई थिंक दिस इज आई हैव मेड समथिंग वेरी क्लियर, प्लीज डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल। आई हैव स्पेसिफिकली आंसर्ड व्हाट योर क्वेश्चन वॉज, आई थिंक आई हैव नथिंग मोर टू से टू इट। I think we should end this matter here. If you have documents that prove that TMC owes money to you, show it to me. You are not so concerned about IPAC. Why should I be? जो आप जो बोल रहे हैं कि 8% जो आपको वोट्स मिले हैं, बट आपके पास अलायंस पार्टनर गोवा ये था, एमजीपी भी था, तो आप इसमें वोट शेयर एमजीपी का भी मानते हैं? अगर आप इलेक्शन कमीशन के डाटा को देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि जब इलेक्शन कमीशन देखता है, और टीएमसी लड़ी थी, हम 26 सीटों पर लड़े थे, और एमजीपी 14 सीटों पर लड़ी थी, तो जब टीएमसी का वोट शेयर दिखाते हैं तो वो 40 सीटों पर दिखाते हैं, तो 5.2% आता है। और यदि आप केवल टीएमसी के 26 सीटों पर जो हमने इलेक्शन लड़ा है उसको देखेंगे, तो वो 8.2% आता है, 8.2%। बट आपका अलायंस था, तो एमजीपी और टीएमसी को ही लोगों ने वोट दिया था ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं कहा मना कर रहा हूँ, तो वो सरकार में है ना, तो वो चीजें तो अलग बात हो गई, दैट इज नॉट अ मैटर दैट आई शुड बी डिस्कसिंग हियर। सर छोड़ दो, मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आपके सामने क्या लगता है कि गोवा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो अभी भी उठाने चाहिए, रस्ते पे आके इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जो सरकार चल रही है उसके बारे में बोलो। सरकार के बारे में तो मैंने आपसे कहा ही अभी कि जो लोग सड़कों में गड्ढे नहीं भर पा रहे, वो यहाँ की जनता का पेट क्या भर पाएंगे? वो स्कीम आपके सामने है, वो दोनों स्कीमों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, और आपसे मैंने ये कहा कि मैं तय नहीं करूंगा कि यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है, कि बाहर से ऊपर से आया और बैठ गया, यह तय पूरी कमेटी करेगी कि यहाँ की कौन सी स्थानीय समस्याएं हैं जिनको आगे लेकर के पढ़ना है। अब हर एक असेंबली के अंदर अलग समस्याएं हो सकती है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो गोवा के अंदर एक पूरी तरीके से समस्या हो सकती है, उन सबों को तय करना। आज हमारा लक्ष्य यह था कि हमारे पास में जो ये सूची है,
वह सूची हमने आज सबके सामने प्रस्तुत की है। आगे क्या क्या समस्याएं दिया जाएगा वो ऊपर से नहीं थोपा जाएगी योजना यहां से तय की जाएगी। जो योजना यहां लोगों ने तय किया कि पर्यावरण दिवस पर जो 5 जून को है हम लोग कोई कार्यक्रम करेंगे और वो कार्यक्रम क्या जो रूपरेखा बनाएंगे वो बताएंगे और उस प्रकार से हम उसको अमल करेंगे। आपका जो अलायंस पार्टनर था MGP अभी BJP के साथ गया है, जब आपका अलायंस हुआ था बड़ी बड़ी बातें हो गई थी हम साथ में रहेंगे एंड तक साथ में रहेंगे, तो आपको क्या लगता है अभी MGP के साथ BJP के साथ जाएंगे? हमारा तो ये अभी नया नया अनुभव है ना, 3 से 5 महीने का। यहाँ तो पुराने पुराने खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो BJP से कांग्रेस में कूद जाते हैं, कांग्रेस से BJP में कूद जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। दे आर द पीपल हु जंप फ्रॉम BJP टू कांग्रेस, कांग्रेस टू BJP जस्ट टू स्टे इन पावर। वी आर न्यू हियर नाउ एटलीस्ट वी नो वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो ये समझना चाहिए आपको। ये भी हमारे एक्सपीरियंस अच्छा है, ये हमारे एक्सपीरियंस आदमी सीखता है चोट खाकर, तो हमने चोट खाई है लेकिन हम गिरे नहीं है। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। हम घुटने के बल चलना नहीं जानते, चाहे कुछ भी हो जाए हार और जीत सिक्के के दो पहलू। तो आपको लगता है कि ये गलती थी? पीछे आप अभी भी IFX से एसोसिएट है? नहीं, हमारा एसोसिएशन है। अभी तो हमको जैसे टीथिंग प्रॉब्लम है, ये जैसे ही मेरा टीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू ठीक हो जाएगा सब कुछ विल गेट इनटू ऑर्डर। सर, इज TMC प्रिपेयरिंग फॉर पंचायत इलेक्शंस? वेल, आई हैव हर्ड दैट इट माइट बी डिलेड टिल ऑगस्ट। नोबडी नोस बट इज द TMC गोइंग टू टेक? वेल, वी आर इन इनफैक्ट स्टेज, सो वी मे गो अहेड in a few assembly constituencies, or we may go ahead in many more, could be quite possible. But at the moment, we are just in the stage of deciding everything. It's just a start. Once again, you can see that we come back. I mean, it happens if your roof starts leaking or the door is somehow or the other broken, then you try and mend it first, and then you start inviting guests to your house. Sir, so how many things do you have to mend? Nothing now. I think we are on the way. There are the blessings of a senior Yozana Sahab. We have seniors like Rajendra Kakodkar ji, we have youngsters here, Mariano is here, Avita is here, Samil is here, Jagdish is here, Clovis is out of town, so he couldn't come. Dr. Joseph is already conducting an exam with the special core committee that we have, which will be looking forward for it. So we are in a very positive frame of mind. Naya president kabhi dekhte hain? New president? Aapko bataya, hamara lakshya hai ki 1st September tak हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ आपके समक्ष अवश्य आएंगे। वैसे भी आपसे भेंट मुलाकात होती रहेगी ऐसे कार्यक्रमों में, जब कभी होगा तो आपसे मिल जाएंगे। सर, इज द TMC डूइंग एनीथिंग टू प्रिवेंट एनी फर्दर एग्जिट्स फ्रॉम द पार्टी? वेल, यू कैन नॉट से दैट अबाउट एनी पार्टी इन गोवा, बट वी हैव स्पोकन टू एवरीवन इंडिविजुअली। आई मीन द लिस्ट दैट यू सी इज ऑफ दोज हू सैट विद हुम आई सैट अक्रॉस here, just here in this room, like I'm talking to you. I've spoken to them and asked them, I said, please don't backstab. Stay in one place and let's work together for the betterment of Goa. We've seen so many of them jumping ship from here and there, here and there, here and there. So we should not do that. Churchill Alemu is there still? Sorry? Churchill Alemu is there with them, with you right now? So far he hasn't resigned, has he? लेकिन उसका नाम तो नहीं है सर, कमेटी में नाम ही नहीं है सर। तो उनका हम आगे देखेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या होती है बात, चर्चा होगी नहीं होगी, सितंबर में आपके सामने आएगा। उनसे संपर्क नहीं हो पाया इस कारण से, जिन जिन से हमारा संपर्क हो गया, बात हो गई, फोन पे बात हो गई, उनसे हमें लेते हैं। खरीदेगा Sir, could you just tell us that what is the short-term target for TMC and what is the long-term target in Goa? There is nothing known as long-term or short-term in politics. We are going to work next 5 years. I mean, I am a sportsman. I'm a sportsman at heart and a politician by choice. I'm a 4-time elected member in the once in the Legislative Assembly of Delhi and thrice for the Lok Sabha. You have to keep working hard. You don't know what is going to happen tomorrow. So you keep on working. You live by the day. In politics too, you live by the day. You aim for the next 2 years, Lok Sabha election, you aim for 5 years. And you start working hard. The harder you work,
better than what? So there is nothing as short term or long term. Are you asking your workers to work for the Lok Sabha elections in Goa? Specifically, are you telling them that? I have called you to give you the list, and the idea is to contest the Lok Sabha elections, and the idea is to contest the assembly elections, and that is what we are here for. सर एक बहुत अलग थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ कि आप लोगों ने पहले से कहा था कि भाजपा के खिलाफ एक गठा बनाएंगे, तो ये वाला जो बात है कि भाजपा के खिलाफ आप काम करना चाहते हैं, लेकिन गोवा में भी नहीं हुआ, अब चर्चा भी कई कांग्रेस के साथ लेकिन नहीं हुई, फिर अभी लोकसभा में भी ये हो सकता है क्या? मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग गोवा में हैं, आप लोग जो लोकल इश्यूज है उसको उठाइए, जो अभी लोकल इश्यू बोलते नहीं है सर, सुनिए तो सही, मैं ये बताएंगे ना लोग, मैं आपको ये बोलता हूँ, अभी राष्ट्रीय मीडिया में हम क्या देखते हैं, हमने कभी राष्ट्रीय मीडिया में बेरोजगारी के ऊपर कभी चर्चा सुनी? क्या महंगाई के ऊपर हमने चर्चा सुनी? होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ के 15% हो गया है, जो पिछले 25 सालों में नहीं था, उसके बारे में चर्चा सुनी? कॉस्ट प्राइस इंडेक्स की हमने कोई चर्चा सुनी? हमने सुना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, यही सुना ना, क्या इससे देश चलेगा? अब यह लोगों को पता होना चाहिए कि जो आगे जो हमारे सामने टेलीविजन पे ये फेक हिंदुइज्म दिखाया जा रहा है, मैं मिथिला का रहने वाला, मैं सीता माँ के जन्म स्थान का हूं, भगवान राम के ससुराल हूं, ये लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ये अगर आप सनातन धर्म को शुरू से उठा करके देखें तो नवरात्र की जो पूजा होती है उसके अंदर सप्तमी अष्टमी के दिन बलि चढ़ती है, यहां पर भी एक आध मंदिर होंगे अवश्य जहां चढ़ती होगी, जहां भी दशम महाविद्या देवी की पूजा होती है वहां बलि चढ़ती है, तो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की क्या बात करते हैं? जहां कहीं भी देवी की शक्ति की पूजा होगी, महादेव की पूजा होगी, वहां पर बलि चढ़ती है, दशम महाविद्या है श्यामा तारणी छोटी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्मस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी, इसी से मां दुर्गा है, इसी से शांता दुर्गा है, इसी से काली है, इसी से चंडी है, इसी से वैष्णो देवी है, इसी से चिंतपूर्णी है, इसी से सारी देवियां हैं, मुझसे आए ना बैठे, मैं भाजपा और आरएसएस वालों कहता हूं यहीं पर आए, आपके किसी ऑफिस में आ जाए और मुझसे बात कर ले सनातन धर्म पर, ये हिंदू का नाम लेना, हिंदू नाम उन हमलावरों ने लिया था जो स नहीं बोल पाते थे, सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी हमारी सिंधु नदी पर, वो स को ह बोलते थे और उससे सिंधु से हिंदू हो गया, हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है, तो अब नाम पड़ गया हिंदुस्तान तो ठीक है, हिंदू पड़ गया तो ठीक है, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से किन्हीं के साथ भी मैं सामने खड़ा होकर के अपने भारतीयता के ऊपर बात करने के लिए तैयार, इसलिए आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा, विषय जो देश को चिंता करते हैं, विषय जो गोवा के लिए चिंता का विषय है, चाहे वह हमारी लाडली लक्ष्मी का कार्यक्रम हो, चाहे वह हमारा ग्रह आधार का मामला हो, यह चीजें हैं, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ कहां गया हो, तो इन सब चीजों पर विषय पर बात होनी चाहिए, बनिस्पत की आप दूसरी चीजों के ऊपर ले जाए, कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, व्हेन नथिंग वर्क्स इट वर्क्स, सो वो जरूर होना चाहिए, मेरे से बड़ा कोई नहीं मानने वाला देवी को, नहीं नहीं ये हमने पूछा नहीं, आप पर शक भी नहीं किया हम लोगों ने, मीडिया ने प्लीज मेरा मानना ये है कि मेरा मानना है कि सारे विरोधक है वो इकट्ठा आने चाहिए नहीं आने चाहिए, क्या लगता है अभी भी, क्योंकि अभी सेम वही स्टेज पर हो, इसीलिए अवश्य आने चाहिए, स्वागत है, सभी एक मंच पर आए और इस धूर्तता को पकड़े। सर आप एक और बोलते हैं कि सब विरोधक इकट्ठा हो जाए, पर गोवा में कांग्रेस आरोप कर रही है कि वोट स्प्लिट होने की वजह से बीजेपी को चांस मिला है, जैसे आपके सर लुइजन फलेरो की कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाएगा तो नावेली में जहां पे जिसको चांस भी नहीं था वो बीजेपी कैंडिडेट चुन के आए, कैसे देख रहे हो सर? मेरा बड़ा सीधा स्पष्ट बात है, खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे, 1885 की पार्टी, राष्ट्र के आंदोलन में लगी हुई पार्टी, उससे जब यह बात नहीं हो पाती कि वह आगे क्या करे तो वह दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ती है, इससे पता लगता है कि कितना दिवालियापन उस पार्टी के अंदर आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
एक हम फोटो ले लेंगे सामने प्लीज सर।